साहिब जग में महान है मेरा साहिब जग में मेरी जान है मेरा साहिब सत्य समान है मैं बंदगी साहिब की करूं मेरा साहिब ही भगवान है साहिब जग में महान है साहिब बंदगी साहिब साहिब बंदगी साहिब बंदगी आप देखते हैं कहीं कहीं घटनाएं होती हैं चोरियां होती हैं डकैतियां होती हैं आतंकवादी हमले होते हैं तो सुरक्षा एजेंसियां उसका स्केच जारी करती हैं ये कैसे जारी करती है भाई बैंक लूटने आए डाकू तो वहां के लोकल जानकार लोग नहीं इधर उधर से आए बैंक के कर्मचारियों से पूछते हैं भाई ठीक है आप एक बात बताओ आप उसे जानते थे क्या डाकू बोला नहीं महाराज अरे भाई आपने तिजोरी की चाबी क्यों दी वो कहते भाई क्या जान गंवानी थी उसने रिवाल्वर कनपट्टी पर रखा था बोला चाबी दो नहीं तो मार डालेंगे हमने चाबी दे दी जान थोड़ी गंवानी थी अच्छा कोई बात नहीं उन्हें जानते हो क्या नहीं अच्छा कोई बात नहीं ये बताओ उनका हाइट कितनी थी कद कैसा था आपने तो देखा है ना बोला हाँ ऐसा ऐसा था दरमियानी कद था ठीक है फिर बोलते भाई अच्छा मुंह गोल था या लंबा था कुछ लोगों का देखो मुंह गोल होता है कुछ लोगों का मुंह देखो लंबा होता है जो आइडियल रूप बनाते हैं वो इसी आधार पर बनाते हैं इस तरह आत्मा का आइडियल रूप भी तो देखे ना वो आखिर कैसी है चलो हम पूरा उसका तस्वीर तो नहीं दे सकते ना आत्मा चेतना है इस शरीर में जो चेतना है ये आत्मा है ये उलझी हुई है आप यहां बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं अगर आपका ध्यान यहां से कहीं चला जाए तो आप मुझे सुन भी नहीं पाएंगे मैंने क्या बोला आपको पता ही नहीं चलेगा यानी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ध्यान ये बड़ी खास चीज है ये बहुत खास चीज है आपने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया ये बड़ी खास चीज है आप यहां बैठे रहेंगे अगर आपका ध्यान नहीं है तो मुझे देख भी नहीं पाएंगे इसका मतलब है इन आंखों में देखने की ताकत भी हमारा ध्यान दे रहा है आप यहां बैठे रहेंगे मैंने क्या बोला आप समझ ही नहीं पाएंगे इसका मतलब है कि समझने की ताकत भी हमारा ध्यान दे रहा है सुन भी नहीं पाएंगे मैंने क्या बोला कितना महत्वपूर्ण है हमारा ध्यान कहीं ना कहीं किसी न किसी कोण से हम ये बात जानते भी हैं बच्चों को भी कहते बेटे ध्यान से पढ़ना रास्ता क्रॉस करना बोलते बेटे ध्यान से क्रॉस करना सेहत का भी ध्यान रखना ध्यान वाह क्या चीज है और बेसिकली दुनिया के जितने भी मतमतांतर हैं ध्यान की ओर कंसंट्रेट कर रहे हैं सभी ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो क्यों सभी कह रहे हैं ध्यान एकाग्र करो इसी ध्यान को सुरति भी कहते हैं साहब कह रहे हैं सुरत संभाले काज हैं तू ना भरम भुलाए मन सयार मन सा लहर बह कतौ ना जाए ये ध्यान बहुत बड़ी ताकत है देखें ये कहां है ये अजीब है
हमें आत्मा तक पहुंचने के लिए ध्यान को इकट्ठा करना पड़ेगा। जब भी नाना मत मतांतरों के लोगों से मेरी बात होती है तो एक सवाल पूछता हूं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपक्रम क्या कर रहे हो तुम? भाई हम अनाज पैदा करने के लिए उपक्रम करते हैं, खेती बाड़ी, जमीन को गोड़ते हैं, सींचते हैं, जोतते हैं, बीज डालते हैं, ये कृषि का एक उपक्रम है। मैं पूछता हूँ भाई परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए क्या उपक्रम है तुम्हारा? कहते हैं हम ध्यान करते हैं। ध्यान ही किया जा रहा है? मेरा अगला सवाल होता है, ध्यान क्यों कर रहे हो एकाग्र? क्या ध्यान करते हो? बोला ध्यान एकाग्र करते हैं। मैं पूछता हूं ध्यान एकाग्र क्यों करते हो? कहते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। मेरा सवाल है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ध्यान की प्रासंगिकता क्या है? ध्यान ही क्यों एकाग्र कर रहे हो? यहां दुनिया अटक जाती है, यहां दुनिया अटक जाती है। सुने, क्योंकि आपके ध्यान में आंखें भी है, वही आंखें परमात्मा को देख सकती है। आपके ध्यान में कान भी है, वही कान परमात्मा को सुन सकते हैं। आपके ध्यान में पैर भी हैं, वही पैर परमात्मा तक जा सकते हैं। आपके ध्यान में हाथ भी हैं, वही हाथ परमात्मा का स्पर्श कर सकते हैं। इसका सब्जेक्ट नहीं है वो। अगर आप थोड़ा चिंतन करेंगे तो ये आत्मवतम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में ये आत्मा दिखाई देगी। मैं आपको चंद एक उदाहरण देता हूं। एक बार मैं एक बगीचे में लड्डू खा रहा था बैठे। लड्डू मोस्टली हमारे ऐसे बनते हैं कि बेसन के लड्डू बनते हैं। पहले बूंदी तलते हैं, घी से चाय रिफाइंड से बूंदी बनाते हैं, उसके बाद चाशनी पका करके चीनी से चाशनी बनाते हैं, चाशनी उस बूंदी में मिक्स करते हैं, फिर लड्डू बांधते हैं। यानी लड्डू कई बूंदियों का समावेशन है। तो जब मैं लड्डू खा रहा था तो उसका एक अंश यानी एक बूंदी गिर गई, एक चींटी आई, चींटी उसे उठाना चाह रही थी लेकिन वो उससे नहीं हिला, उसके वजूद से कहीं ज्यादा था। चींटी चल पड़ी। मैंने कहा देखते हैं ये क्या, इसकी प्रक्रिया क्या है। अभी 50-60 फीट दूर गई, मैं उसके साथ साथ देखता रहा, चलता रहा, एक बिल में चली गई। एक बिल में जाकर जब वो वापस आई, क्योंकि उस चींटी पर मेरी नज़र काफ़ी देर थी, पहचान में आ गई थी, वो जब बाहर निकली 10-12 चींटियाँ और साथ लेके आई। वो आगे थी, बाकी को पीछे पीछे लेती आई, वापस उसी जगह पर पहुंचे जहां बूंदी थी। चारों तरफ चींटियां फैल गई, बूंदी को उठाया, वो उनके लिए पहाड़ था, बहुत बड़ा बोझा था ना, थोड़ी थोड़ी दूर में थक जाती थी, रख देती थी। जब रख देती थी फिर अपना साइड बदल रही थी। एक घंटे के अंदर उन्होंने वहां तक वो बूंदी का दाना पहुंचाया। अब कुछ अंदर जाकर खींचने लगी, कुछ उठाने लगी, तो अंदर दाना नहीं जा रहा था। वो फिर वापस आई, उन्होंने उसके चार टुकड़े किए। चार टुकड़े करने के बाद एक एक टुकड़ा लेकर अंदर चली गई। अब यहाँ एक सवाल ये उठा, पहली बात ये इतनी नन्ही सी चींटी, उसने पहले ये देखा होगा कि ये दाना मुझसे नहीं उठा, सोचा होगा ना चलो अपने परिवार के लोगों को भी ले आती हूँ। वो बिल में गई,
बिल में जाकर उसने बाकी को कहा होगा ना, भाई वहाँ बहुत बड़ा माल मिल गया है, चलो कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना, कोई ना कोई भाषा तो, इतनी सी नन्ही चीज़ में ये इतनी चीज़ें कहाँ से आई। फिर वो उनको गाइड करती हुई भी वहाँ भी पहुँची जहाँ वो बूंदी का दाना था, ज़रूर मेमोरी भी रही ना उस चीटी के अंदर, इतना इतनी नन्ही चीटी के अंदर इतनी चीज़ें कहाँ से आई। फिर वो ज़रूर डिप्लॉयड हुए होंगे, जैसे हम लोग वजन उठाते कहते भैया तू उधर से पकड़, तू इधर से पकड़, फिर वजन उठाते कहते एक साथ जोड़ लगा भाई, तब हम एक साथ जोड़ लगे, उनका भी कोई कोड वर्ड होगा ना, उन्होंने कहा होगा भाई चलो एक साथ जोड़ लगाओ, उठाया, जब थक रही थी तो रख रही थी, हम लोग भी कहते भैया रुको थोड़ा नीचे रखो थक गए, फिर यूं कहते अच्छा अब तू इधर आ, बाया हाथ मेरा थक गया देने लग, वो ये भी कर रही थी। वो उस दाने को उठा करके बिल तक पहुंची, बाद में जब वो खींचने लगी बोला भैया ऐसा नहीं जाएगा ये, इसके चार टुकड़े करो, यानी ब्रेन भी इस्तेमाल किया ना, इतनी सी चीटी में ये ब्रेन, ये मेमोरी, ये सभी टेक्निक, ये कहाँ से आई आपने कभी नहीं सोचा, इतनी नन्ही सी से जिस्म में इतने सिस्टम कहाँ से आ गए। बस उसे यातमदेव वही था, यातमदेव वही था, अर्थात आपकी आत्मा में बहुत ताकत है। यही बात वासुदेव कृष्ण ने भी कही, हे अर्जुन इस आत्मा की आंखें नहीं है फिर भी सभी दिशाओं से देख सकते हैं। वाह, हमारी हमारा शरीर सभी दिशाओं से नहीं देख सकता है। हे अर्जुन इस आत्मा में कान नहीं है सभी तरफ से सुन सकती है। हे अर्जुन इस आत्मा के हाथ नहीं है सभी दिशाओं से ही आत्मा काम कर सकती है। हे अर्जुन इस आत्मा के पैर नहीं है आत्मा सभी दिशाओं से चल सकती है। इस समय हमारी आत्मा के वो पैर इन पैरों को चलाने में लगे हुए हैं, इस समय हमारी आत्मा के वो हाथ इन हाथों को, स्थूल हाथों को एक्टिव करने में लगे हैं, इस समय वो आत्मा का मुख इस मुख में लगा हुआ है, इस समय वो आत्मा की आंखें इन आंखों के पीछे काम कर रही है, तभी आंखें काम कर रही है, या तुम जो निकल जाएगा या आंखें पसरी रह जाएगी। बड़ा जटिल समस्या है, जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत कट नहीं, हमारी आत्मा बंद गई, हम इससे निकलना है। जब भी हम आत्मा की को निकालने के लिए प्रयास करते हैं रुकावटें हैं, किसकी मन की, मन हमें एकाग्र नहीं होने देता है। बड़ी अचरज की बातें हैं, दुनिया लोग के लोग क्या कह रहे हैं, वो कभी कभी आके कहते हैं महाराज मन टिकने नहीं देता, और दिन भर मन का ही कहना माने जा रहे हैं तो कैसे होगा ये काम। दरअसल मन समझ में नहीं आ रहा, साहिब वाणी में कह रहे हैं मन को कोई छीन न पाए नाना नाश नशाए, जो कोई कहे मैं मन को देखा इसकी रूप न देखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं पेखा। अब इसी आत्मा को छुटाने के लिए कोई डुबकियां लगा रहा है, कोई जड़ पदार्थों की भक्ति कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई प्राणों का योग कर रहा है, कोई हठ योग कर रहा है, कोई सन्यासी बन रहा है, कोई जंगलों का रास्ता देख रहा है। साहिब कह रहे हैं इससे नहीं होगा काम, कोई भी आदमी अपनी ताकत से इन शैतानी ताकतों से अपने को नहीं छुड़ा पाएगा। जिस ताकत ने बांधा है इस आत्मा को बहुत ही शातिर और ताकतवर है, इससे बचना बड़ा मुश्किल है, इसने भ्रमित कर रखा है, आपका जोड़ नहीं है इतना कि आप इससे निकल पाए। इसलिए साहिब वाणी में कह रहे हैं बहुबंधन ते बांधिया एक बिचारा जीव, अरे जीव बिचारा क्या करे जो ने सुड़ही है पीव। ये आत्मा यहां बहुत सी से बंधनों से बंधी है, कोई भी आदमी अपनी ताकत से इनसे नहीं निकल पाएगा। जिस ताकत ने बांधा हुआ है बहुत ही शात्र है। हम सब देख रहे हैं आदमी भक्ति कर रहा है, वर्तमान में दो उपासनाएं पद्धतियां हैं। कभी कभी कुछ लोग आकर मुझे कहते हैं कि गुरुजी बीमार था ये दवा खाई उसके बाद इसे दौरे पड़ने लग गए, दवा उपयुक्त नहीं थी। कभी कभी कोई कह रहे हैं दवा खाने के बाद में अब कमर नीचे की टांगें ही काम नहीं कर रही हैं, दोनों कमर के नीचे का हिस्सा दवा ने रिएक्शन किया। इस तरह साहब यहाँ कह रहे हैं
भक्ति भक्ति तो मोक्ष दायनी है, लेकिन भक्ति भक्ति सब जगत बताना, भक्ति भेद कोई बढ़ला जाना, दुनिया भक्ति 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 तो बोल रही है पर यथार्थ भक्ति के तत्व को नहीं समझ पा रहे। अब फिर संसाधन क्या है, बड़े बड़े तपस्वियों ने तपस्याएं की, वाह कितने तपसी तप कर डारे, बड़ी घोर तपस्याएं की, काया जारी गारा, उन्होंने शरीर भी गला दिया। अरे भाई ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेउ न पावत पारा, यानी जिस ताकत ने जकड़ा हुआ है बहुत शत्र है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को रुकावटें आई, वो नहीं जाने दे रही आत्मा तक। देखो ना हम सब पढ़ते हैं फलाने ऋषि ने तप किया, कामदेव आया उसका तप खत्म कर दिया, कामदेव को कोई क्या जरूरत पड़ी उसका तप खत्म करे, क्रोध आया तपस्या खत्म कर दी। अरे इसका मतलब है कुछ व्याधान है, कुछ बाधाएं हैं, कुछ रुकावटें हैं, कुछ विरोधी शक्तियां इस शरीर में रह रही है। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। भाइयों थोड़ा गौर करो, अनहद लूट होत घट भीतर घट का मरम न जाना, इस तरह वो ताकते हैं इस आत्मा को जकड़े हैं, ये इसके बस की बात नहीं है कि इनसे निकले। हमें उदाहरण मिलता है हमारे पूर्व ऋषि मुनि इतनी घोर तपस्या की, क्यों आया काम, काम मन का वृत्ति है, वो आकर के व्याधान डाल दिया, पराशर हजारों साल तपस्या करके आए थे, मच्छोदरी से मोहित होकर के अपना तप ही नष्ट कर दिया। ये कौन कामदेव को क्या पड़ी जरूरत, ये मन की वृत्ति है, ये मन का अंग है, मन का स्वभाव है। इस तरह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि रिप इस देही में रह रहे हैं, इसलिए बहु बंधन ते बांध दिया। एक बेचारा जी हजारों डुबकियां लगाने पर भी ये नहीं छोड़ने वाले हैं, हजारों पठन पाठन करने से भी ये नहीं छोड़ने वाले हैं, हजारों योग समाधियां करने पर भी ये नहीं छोड़ने वाले हैं, ये बात साहेब कह रहे हैं। फिर कैसे बचेगा, बचियो एक उपाय, सदगुरु बिन सदगुरु बाचे नहीं कोटन करे उपाय, सदगुरु बचा देगा। बिना ये सदगुरु के बचेगा ही नहीं, इसलिए ये महात्म भी आया। अरे भाई रामायण भी कह रहे हैं गुरु बिन भवानी दर तरे न कोई जो विरंच कर सम होई। वाह भाई गुरु बिन भवानी दर तरह न कोई जो विरंच शंकर सम होई, विरंच ब्रह्मा जी शंकर शिव जी। साहब भी कह रहे हैं बिन सतगुरु बाचे नहीं कोटिन करे उपाय, और हम सबके हृदय में एक धारणा भी है गुरु के बिना ज्ञान नहीं आएगा। अरे ज्ञान कौन सा, पोथियों का, वो तो कोई भी पढ़ ले, तत्व ज्ञान गुरु के बिना नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु हमें संसार सागर से पार करेगा। क्या इसके वैज्ञानिक तथ्य भी हैं, बिल्कुल, साहिब ने गुरुत्व को वैज्ञानिक तथ्यों से स्थापित किया। किस थ्योरी से गुरु पार करेगा, नाम दे देगा, वाह भाई वाह नाम दे। इसलिए लोग गुरुजनों के पास नाम लेने के लिए जाते हैं। आज नाना मत मतांतर प्रचलित हैं जो भक्ति की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई चलो फलाने गुरु के पास नाम लेने। अरे अगर ये नाम कोई वाणी होता तो मेरे भाइयों तो कोई अल्फाज कोई भी बोल देगा।
सत्संगी। साहिब जग में महान है, तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में आज नाना मत मतांतर प्रचलित हैं जो भक्ति की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाई चलो फलाने गुरु के पास नाम लेने। अरे अगर ये नाम कोई वाणी होता तो मेरे भाइयों फिर तो कोई अल्फाज कोई भी बोल देगा। अरे ये बच्चा भी 10-5 नाम बता देगा। भाई नाम से पार होगा मनुष्य। पहले देखे इसकी सत्ता, रामायण में भी गोस्वामी जी कह रहे हैं कलि में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो पारा। नानक देव जी भी कह रहे हैं नानक नाम जहाज हैं जो चढ़े सो उतरे पार। यहां भूल हुई हमारी सबकी। क्या भूल हुई आगे बता, समझने की भूल हो गई। साहेब भी वाणी में कह रहे हैं भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं, कोटिन करे उपाय उपाय कोशिशें, चाहे करोड़ों कोशिशें की जाए लेकिन भवसागर का पार नाम के बिना नहीं हो पाए। अब दुनिया नाम लेने के लिए दौड़ पड़ती है, आखिर कैसा नाम। यहां साहब बहुत नाम तत्व पर पर्दे उठाकर बात कर रहे हैं। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना। दुनिया नाम 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 कह रही है। अगर ये कोई अल्फाज होता तो कोई भी आदमी इसको प्राप्त कर लेता, कोई भी आदमी इसको देता। सार नाम गुरु बिन नहीं पावे। अब यहां कह रहे हैं भाई वो नाम गुरु के पूरे गुरु के बिना मिले नहीं। पूरा गुरु अकह समझाए, लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु को ही नहीं पाए। ये नाम आपके पास पूर्ण गुरु पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा? गोस्वामी जी प्रामायण में कह रहे हैं मोरे हृदय प्रभु अस विश्वासा, प्रभु से अधिक प्रभु के दासा। राम सिंधु घन सज्जन बीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। कह रहे हैं मुझे ये विश्वास है परमात्मा से कहीं अधिक ताकत संतों में है। राम सिंधु घन सज्जन वीरा, सिंधु सागर को कहते हैं, घन बादल को कहते हैं। समुद्र का पानी अध्रुव प्रयोग में नहीं आ सकता, जहां तक समुद्र की लहरें जाती है वहां मरुस्थल रेगिस्तान मिलेगा, रेती रेत। वो पानी में साल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है इसलिए जमीन को ऊसर कर देता है, वो अध्रुव जल कहलाता है। न पिया जा सकता न उसमें नहाया जा सकता। अगर समुद्र में नहाओगे तो पूरा शरीर नमक ही नमक हो जाएगा। समुद्र का पानी खारा है, पिया भी नहीं जाएगा, लगातार पियोगे लीवर फट जाएगा। एक बार मैंने पढ़ा समुद्र में 70 आदमी प्यासे मर गए थे, पहले थोड़ा थोड़ा वो पानी पीते रहे लीवर फट गया।
नमक का पानी आप नहीं पी पाएंगे, बिल्कुल खारा पानी नमक समुद्र का। उसी समुद्र से पानी बड़वाल नल की प्रक्रिया द्वारा बादल ले आते हैं, वो ध्रुव जल मीठा है। पपियारा सिर्फ शांति की बूंद लेता है, क्यों? जो जमीन में भी पानी गिरा उसने जमीन के गुण को धारण किया, शुद्ध जल जो शांति का डायरेक्ट आया, इसलिए वो पपियारा प्यासा भी मरता है, पीहू पीहू पुकारता हुआ वही जल लेता है। जिस भी मिट्टी पर पानी गिरा मिट्टी को धारण कर लेता है, मिट्टी के अंदर जो तत्व है उनको भी धारण करता है। इसलिए कहीं का पानी भारी है, कहीं का हल्का है, किसी में कैल्शियम ज़्यादा है, किसी में साल्ट ज़्यादा है, किसी में कुछ है, पर वो जो जल घन बादल लाते हैं ध्रुव पिया जा सकता है, आपकी खेती में आकर के वो बरसता है। इस तरह संत जन परमात्मीय सत्ता को परिशोधित करके ले आते हैं, वो उनके पास है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, चंदन तरु हरि संत समीदा। तरु पेड़ को कहते हैं, चंदन का पेड़ अपनी खुशबू लोक लोकांतर तक पहुंचाने में सक्षम नहीं, हवा अपने में संजोकर वो खुशबू लाती आप तक पहुंचाती है, वह हवा उसको कैरी करके लाई। इस तरह परमात्म ताकत संतजन अपने कंसंट्रेशन में उठाकर जो आपके पास लाते हैं वही है नाम। अरे बादल बड़वानल से जल उठा के ले आए, समीर हवा चंदन की महक अपने में संजोकर आपके नाक तक पहुंचा दिया, खुशबू आती है। इस तरह वो अपनी सुरति से नाम आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए सुरत संग आयो संसार, साहिब भी वाणी में कह रहे हैं, पारस सुरति संत के पास आ, ये नाम कंसंट्रेशन से दिया जाएगा। लिखा न जाए पढ़ा न जाए बिन सदगुरु नहीं कोई पाए। यहां साहिब एक शब्द कह रहे हैं, सदगुरु मोहिदीनी अजब जड़ी। वाह, जड़ी बूटियों का पहले बड़ा प्रयोग था, आज भी है। आज आयुर्वेद की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ गई है, एलोपैथिक के साइड इफेक्टों को देख करके बढ़ गई है। कह रहे हैं साहब, सदगुरु मोहिंदीनी अजब जड़ी, जड़ी दी, वो क्या काम करती है? वो चेतन कर देती है। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। जब ये नाम, ये प्रक्रिया है नाम नान के टाइम, गुरु पांच चीजें करता है। सदगुरु मोहिंदीनी अजब जड़ी, वाह, पहली बात तो आप देखिए वाणिया क्या बोल रही है। वाणिया कह रही है, गुरु सजीवन नाम बताए। वाह, साहब फिर कह रहे हैं, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, अरे कीट न जाने भंग को कर ले आप समान। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। कभी कभी हम महापुरुषों को कहते हैं महाराज हम पर ध्यान रखना, क्यों कह रहे हैं? उनका ध्यान प्रबल और शक्तिशाली है, वो अपनी तरह कर लेंगे, अपनी तरह कर लेंगे। आदमी महापुरुषों के दर्शन करने जाता है, जागृत में चक्षण में वासा, हमारी आत्मा का वास जागृत में आंखों में है, इसलिए उनकी आत्मा परम चेतन है। तो सदगुरु मोहिंदीनी अजब जड़ी, वाह, साहब कह रहे हैं गुरु सिकली कर कीजिए, मन है मस्किल आगे, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए, कबीरा पल में डारे धोए। पारस सरस संत के पास, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे यह कर ले आप समान। उसके पास वो सुरति है, क्यों? उसकी सुरति हमेशा वही है, नान कुमारी नान का लगी रहे दिन रात। आपका ध्यान जिन चीजों में जाता है उसका इफेक्ट आपके ध्यान पर आता है, जिन चीजों का चिंतन करते हो वो आप पर होती है, इसलिए उनका ध्यान हमेशा वहां है, इसलिए उनके पास पारस सुरति है। वह भृंगा किसी भी कीड़े को पकड़ कर अपनी साउंड से उसका स्वरूप बदलता है, अपनी तरह कर देता है। आज तक ये टेक्नोलॉजी किसी वैज्ञानिक के पास नहीं, 27 किस्म के जो भी कीट हैं उनमें से किसी को भी मक्खी को पकड़ के भी अपनी आवाज सुनाकर अपनी तरह कर देगा। वाह, ये उसकी साउंड में गुण है, इसलिए महापुरुषों के कंसंट्रेशन में गुण है। इसलिए कहते हैं महाराज हम पर अपना ध्यान रखना, कहते हैं महाराज हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना।
ये तत्व उसके पास है। सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। सार शब्द सो कहा न जाई, लिखा न जाए पढ़ा न जाई, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। यहाँ ये सवाल है, इसलिए वो गुरु नाम जब देता है यही पहली प्रक्रिया करता है, आपको होश में लाता है। सदगुरु मेहदीनी अजब जड़ी, दूसरा दिव्य दृष्टि खोलता है। दिव्य दृष्टि कोई ऐसी आंख नहीं है एक और तड़ाम से खोलता है, नहीं, आपकी श्रुति को जगाता है। दिव्य दृष्टि खुली फिर क्या होता है, अंदर के जो मत्सर काम क्रोध लोभ मोह आकर हमला कर रहे हैं, दाव कर रहे हैं, वो हमारी ताकत से हमारे द्वारा ही सब कुछ करा रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है, वो पता दिखने लगते हैं पहले ही। ये चश्मदिल है, ये दिव्य दृष्टि, ये खुल जाती है। जब ये खुलती है ये पहले पूरी इनकी हरकत समझ में आती है। अब आपके पास क्रोध आया, आपको पता ही नहीं चला, तोड़ फोड़ करने के बाद आप जानते हैं ओ ये तो मैं गलत किया, बाद में भी सोचने लगते हैं हाय ये क्या कर बैठा मैं, लेकिन तब पहले ही होश आ जाएगा। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सद्गुरु में दीना। मैं देख रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, आलोचक नहीं हूँ, लक्ष्य नहीं आलोचना, निंदा मेरा धर्म नहीं, मैं देख रहा हूँ, पर निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। अरे जैसे को तैसा कहा वो कहाँ से निंदा है, आज किसी की भी खोपड़ियाँ खाली नहीं है, सब किसी न किसी पंथ मत गुरु से जुड़े हैं, उसके बावजूद भी बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। अगर तुम नहीं बदले हो तो किसी अच्छे गुरु से तुम्हारा संबंध ही नहीं हुआ, चेक करो। गुरु पारस गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु बदल देगा तुम्हें, वो बदल देगा। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी तामे दुई न समाए, ये कमाल करेगा वो। जब ये बदल देगा, होश में ला देगा, पूरे होश में आ जाओगे, बेहोशी में आदमी अटपटा हो जाता है और पूरी दुनिया नशे में है, सब नशे में है, गुरु नशा उतारता है। जब आदमी को नशा होता है तो वो अटपटा देखने लगता है, गुरु ये नशा उतारता है, ये जड़ी नशा उतार देती है। दूसरा सुरक्षित कर देता है, तीसरा दिव्य ज्ञान दे देता है गुरु, आपको बदल देगा, आत्मा और मन को विलगीकृत कर देगा। हंसे की चोंच में गुण है, दूध और पानी को भिन्न करता है, ये कितना बड़ा गुण है। कुछ लोग कहते हैं हमें दूध हजम नहीं होता है, कुछ बच्चों को दूध हजम नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? दूध पीने के साथ हमारे शरीर के अंदर एक रसायन है, उसको अंदर जाते ही फाड़ देता है। किसी किसी के शरीर में वो रसायन कम होता है, जिसके कारण से दूध उनका फटता नहीं है, गुटुर गुटुर करता घूमता रहता है। ऐसे लोग क्या करें, बच्चे को थोड़ा सा नींबू चटाएं पहले, अगर बड़ा है तो चौथा हिस्सा नींबू पहले दें 10-15 मिनट पहले, फिर उसे दूध पिलाएं, दूध हजम हो जाएगा। क्योंकि जिनका दूध हजम नहीं हुआ उनका दूध पेट में उतरते फट नहीं रहा है, और नींबू की आदत है दूध को फाड़ देगा। प्रकाश अंधकार के अस्तित्व को कमजोर करता है, इस तरह नाम तिमिर का नाश करने वाला। जय सुमरत गति पाइए तह सुमरो रे मित, इस तरह आत्मा और मन का विलगीकरण कर देते हैं गुरु। अब आत्मदेव चेतन हुआ, जब ये आत्मदेव चेतन होता है तो मन की ताकत नहीं चलने देता है, मन की ताकत ही आत्मा है, मन आपकी आत्मा की ताकत द्वारा ही आपसे काम करवा रहा है। आप आपको आप ही बन लो, फिर आत्मा इग्नोर करती है, मन को शक्ति नहीं देती है, बस मन जाता है तो जाने दे, गह के राग शरीर उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। पांचवा, ईश्वरी ताकत आप में पैदा कर देता है, वो तो है ही है, प्रकट पर दिसत नहीं, सदगुरु सहन सहारा है।
कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे ब्रह्माए, ऐसे घट घट सानिया मूर्ख जानताए। सच ये है कि गुरु परमात्मा को प्रकट करता है। मैं गवाही देता हूँ, कभी कभी लोग मेरे लोगों से विवाद करते हैं कि तुम्हारा गुरु बहुत घमंडी है। यानी हम घमंड से तो बोल ही नहीं रहे, अहंकार से बड़ा सावधान हूँ, ये बड़ा नज़दीकी दुश्मन है, हम इससे सावधान हैं। सहज माया का त्यागना, सहज सुत बित और नार, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ऐह, हम इससे अहंकार से बहुत सावधान हैं। आपका सबसे बड़ा नज़दीकी शत्रु है, पर भाई हम भरोसे से कर रहे हैं, कह रहे हैं आओ हम आपको बदल देंगे ना, मेरी गवाही आपके सामने है। किसी ने नाउ से पूछा हमारे बाल कैसे, बोला चिंता मत करो, दो मिनट में तुम्हारे आगे फेंक दूंगा काट के, देख लेना कैसे। अरे अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, हम आपको बदल देंगे। नाम के बाद जो ये मान रहा है हम बदल चुके हैं वो हाथ खड़ा करना, ये मेरी गवाही है। आप कर्म से भी बदल गए, वाणी से बदल गए, सोच से बदल गए, विचारों से बदल गए, मन पर नियंत्रण हो गया, पहले मन जो चाह रहा था आप किए जा रहे थे अब नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये है ज्ञान। वाह भाई आखिर क्या है ऐसी बात, गुरु दर्शन बार बार वाणियों में आ रहे हैं, गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, आसूया का मेह जिम करे बहुत उपकार। अरे कह रहे कई कई बार करना, कई बार ना हो सके तो दो ही वक्त कर ले, सतगुरु के दर्शन की एक काल दगा ना दे। भाई बहुत दूर हो, अगर दो वक्त भी नहीं कर सकते हो तो दूसरे दिन कर धाए, सतगुरु के दर्शन किए सकल मनोरथ पाए। अगर आप दूसरे दिन गुरु का दर्शन नहीं कर सकते हैं तो चौथे दिन कर जोए, सतगुरु के दर्शन किए सकल मनोरथ पूर्ण होए। अर्थात क्या बात है ऐसी कि गुरु दर्शन से लोग कह भी रहे हैं दर्शन दर्शन गुरु दर्शन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम उनको देखते हैं तो देखने का सुनने का और सोचने का प्रभाव हमारी चेतना पर हमारे चिंतन पर जरूर आता है, उतनी देर हम उसी का रूप हो जाते हैं, जितनी देर हम जिसका देख रहे हैं हम उतनी देर वही है। अगर मैं अभी जुगनू को देख रहा हूँ मैं उतनी देर जुगनू हूँ, इसलिए दर्श का महत्व दिया, क्योंकि फिर आँखों में आत्मा का वास है, जब भी हम किसी को देखते हैं तो अपनी निगाह उसकी आँखों में ले जाते हैं। इसलिए ये पद्धति हमारे हिंदू संस्कृत में रही कि हम महापुरुषों के दर्शन करने जाते हैं। दर्शन सफा दीदारे नफा, वो भी एक आत्म ऊर्जा प्राप्ति का संसाधन है। तो ये सब चीजें गुरु का महात्म साहब ने इसलिए बहुत बड़ा कहा, गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं गुरु सुमरे सो पार। इसलिए जब दुनिया में परिवर्तन नहीं आया तो समझना आपका संबंध किसी पूर्ण गुरु से नहीं आया हुआ, पूर्ण गुरु आपको बदल देगा। जब तक गुरु मिले नहीं सांचा तब तक गुरु करो दस पांचा, गुरु 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 कहे सकल संसारा, गुरु सोई जो तत्व विचारा, बहुत गुरु हैं अस जग माही हरे द्रव्य कछु संकट नाही। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है आज महात्मा लोग किसी के घर में जाने के लिए 5 लाख रुपए फीस लेते हैं, हो कैसा महात्मा हुआ, ये तो सौदागर है, ये तो बिजनेसमैन है, 5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं घर जाने के लिए। कभी कभी देखता हूँ महात्मा लोगों के साथ जेड प्रणाली की सुरक्षा है, ब्लैक थंडर बंदूकें लेकर उसके साथ घूमते हैं, नानक देव जी के साथ कौन सा बॉडीगार्ड था, एक महापुरुष अपने आत्मबल से दुनिया को रोशन करता चलता है, उसको किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं। भयंकित है वो, उन्हें स्वयं भय है, जिसे खुद भय है आपको अभयता कभी नहीं दे सकता। वाह अरे तो बंधु इस समय हमारा भक्ति का वर्तमान ढांचा चरमराया हुआ लग रहा है, थोथा सा लग रहा है, हमें आवश्यकता है कि हम पूर्ण सदगुरु की खोज करके हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, न तो तन ही रहा न तो मन ही रहा, इसलिए वो पूरा सिस्टम आप में ऑटोमेटिक होता जाएगा। आपने जैसे एक ऑटोमेटिक सिस्टम में घड़ी अलार्म देती रहती है, 1 घंटे बाद आपके शरीर में पूरे सिस्टम गुरु सेट कर देगा, आपको बुराई अच्छाई वो ताकतें बताती चलेगी, आत्म तत्व जाग जाएगा, ना कहूँ गया नहीं कहीं आया, सभी तत्व आपके अंदर मौजूद हैं। Let's go.
का तूले सत्संगी। साहिब जग में महान है, तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में आखिर जगत भगत में क्यों बह रहे? ये पलटू साहेब की वाणी है। कह रहे हैं भाई जगत भगत में बैर हैं चारों युग परमान। ये बात चारों युग में हुई, चारों युग परमान बैर हैं अग्नि और पानी। बैर कैसा है? जैसा आग और पानी का। हस्ती के हर बैर हैं दूध खटाई। कैसा बैर है? कह रहे हैं हाथी और शेर, दूध और खटाई का बैर है। ऐसा ही बैर जगत जगत और भगत के बीच में। चोर पहरुआ बैर हैं भाई, चोर और पहरेदार का बैर है। नेवले और सांप में बैर हैं। नाहक हस्ती देखकर भूकत है ये स्वान। जगत भगत में बैर हैं चारों युग परमान। इसकी गवाही चारों युगों में मिल रही है। आखिर क्यों, क्या वजह है? जो भक्ति पदार्थ है ये बड़ा उत्तम ऊंचा है। आज हम चारों तरफ एक भक्ति का माहौल देख रहे हैं। ग्रह नक्षत्र टोना टोटका जादू जड़ी जंतर मंतर ये भी मान रहे हैं और छेला बकरा भी बलि चढ़ा रहे हैं। यहाँ मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि भाई ये कैसी रूहानियत है। जिस चीज़ का नाम रूहानियत है उसमें इन चीज़ों की जगह नहीं है। पर जो ऐसे काम करने वाले हैं वो लोग भी रूहानियत का उल्लेख करके, रूहानियत का जिक्र करके आदमियों को भ्रमित कर रहे हैं। और आदमी ये मानने के लिए तैयार हो गया कि हम रूहानियत का एक बिल्ला लगा लें, उसके बाद कार्रवाई चाहे कुछ भी करें। तो इन चीज़ों का कोई महात्म नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? उस तबके ने एक जनरल स्टोर खोला, सोचा सभी तरह की भक्ति वाले इसमें ज्वाइन हो जाए। अरे रूहानियत वाली बात करने वाले लोगों तब तुम हमारे पास आओ। वो यूं कह रहे हैं हम तुम्हें भी रूहानियत दे रहे हैं। जैसे जनरल स्टोर में सभी चीज़ें बिक रही है, इसी तरह आज गुरुआ लोग वातावरण बनाया कि कोई भी किसी को भी मानने वाला आ जाए। आजकल तो एक ये भी फैशन चला कि गुरुआ लोग कह रहे हैं नामदान के लिए जब लोग बैठते हैं कहते हैं बैठ जा भाई, इसमें शैव संप्रदाय वाले उनको शिव जी का मंत्र, विष्णु जी को मानने वाले उनको भाई विष्णु जी का मंत्र, राम जी को मानने वाले को राम तड़ा का मंत्र, कृष्ण जी को मानने वाले को वो, यानी कह रहे हैं जिसको आप मान रहे हैं उसको मानते रहो। अरे भाई ये कौन सी बात हुई? अर्थात वो ये कह रहे हैं हमें भी मानो, हम कह रहे हैं भाई तुम फिर किस बात के लिए हो? आज रूहानियत का ढांचा चरमरा गया।
जो सही आध्यात्मिकता थी जो वशिष्ठ मुनि ने राम जी को दी, जो दुर्वासा जी ने वासुदेव कृष्ण को रूहानियत दी, जो संतों ने रूहानियत बिखेरी थी, जो एक अनूठी चीज़ थी, वो दूषित करते जा रहे हैं लोग अनंतवाद में। आइए हम देखते हैं रूहानियत में किन किन चीज़ें, भक्ति में कौन कौन सी चीज़ें रुकावट देती हैं। आप सब उन रुकावटों से रूबरू होते होंगे। सबसे पहली बात है कि रूहानियत की भक्ति में और तामस भक्ति में बड़ा विरोध और भेद है। जो भी तामस भक्ति वाले हैं उसमें बलि प्रथा, काला इल्म, टोना टोटका, जादू झड़ी ये चलता है। समाज को उस तबके ने एक शिकंजे में जकड़ा। हमें ज़रूरत है इस बात की समझने की कि हम इस चीज़ को समझ पाएँ। वो तबका हमेशा चाहता है कि समाज अनात्म भक्तियों में उलझा रहे। कभी कभी आप अपने इर्द गिर्द अपनी भक्ति का विरोध पाते होंगे। ये विरोध होगा क्यों? क्योंकि अभी आप भूत प्रेत नहीं मान रहे हैं। मुझसे एक बार एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा, बोला महाराज आपके समांतर चलने वाले काफ़ी पंथ हैं जो सरगुण भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई विरोध नहीं है, आखिर आपका विरोध क्यों हो रहा है? जरूर कहीं आप धर्म के खिलाफ या कोई ऐसी चीज़ कट्टरवादिता बोल रहे हैं कि आपका विरोध हो रहा है। मैंने कहा नहीं, कभी नहीं। इसका एक ये कारण है कि जिस रूहानियत की बात आप कर रहे हैं, जिन मतमतांतरों की बात कर रहे हैं, वो बदस्तूर प्रेत आत्माओं की भक्ति भी कर रहे हैं, टोना टोटका ग्रह नक्षत्र ये ज़रूर मान रहे हैं। आप देखिए आजकल बाकायदा मीडिया भी इस कार्य में बहुत बड़ा सहयोग दे रही है। अगर एक तांत्रिक कह रहा है मेरे तंत्र विद्या में ये ताकत है आप आए, तो वो मीडिया में पैसा दे करके अखबारों में चैनलों में वो अपनी प्रसिद्धि कर रहे हैं। अजी एक आदमी तो कह रहा है ये हमारा लॉकेट पहनने के साथ में आप करोड़पति हो जाएंगे, धन धनी धन आपके पास हो जाएगा। भाई कोई कह रहा है हमारा ये मंत्र उच्चारण करो तुम पैसे वाले हो जाओगे, और वो खुद पैसा ले भी रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं भाई ये कौन सी रूहानियत की भक्ति हुई, हम इसका खंडन कर रहे हैं ना। आज नाना स्थानों पर हम देखते हैं तो ध्यान शिविर, ज्ञान शिविर, परिचर्चा शिविर ये लग रहे हैं। बदस्तूर जैसे जादूगर मजिशियन आकर के जादू का शो चलाता है, टिकट रखता है, सिनेमा हॉल बुक करता है, वहाँ वो एक हजूम इकट्ठा करता है। क्या ये रूहानियत है? नानक देव जी ने किससे पैसा लिया ध्यान सिखाने के, ध्यान केंद्र चलाने के? किससे धन लिया कबीर साहब ने? उन्होंने किसी से धन नहीं लिया। आज हमारे भक्ति का क्षेत्र चरमरा गया इन्हीं चीज़ों के अंदर, इसमें कंप्लीट वैसागिकता आ गई। अभी आप देखते जाएं, आप देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में भक्ति क्षेत्र में काफ़ी लोग आ गए, चारों तरफ भक्ति का प्रचार हो रहा है। क्या ये सब रूहानियत के कारण से या उनमें अध्यात्मवाद आया? नहीं, अच्छी बिजनेस है। कई कई जगह पर लोगों के वक्तव्य आ रहे हैं, इंटरव्यू आ रहे हैं कि भाई इन इन चीज़ों के बाद हम धनी हो गए, हमारे पास धन आया, संपत्ति आई, मेरा अपेक्षा है यहाँ। आखिर जो जिस चीज़ का नाम भक्ति और रूहानियत है वो समाज को क्या चीज़ दे रही है? जैसा कि मैंने कहा हम आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, लिविंग नहीं लिविंग, कि इस दुनिया से आत्मा कैसे निकले। आर्ट ऑफ लिविंग तो पेरेंट्स माता पिता को सिखाते, बच्चे को सिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं हाउ लीव टू द वर्ल्ड, इस दुनिया से कैसे निकला जाए। एक महापुरुष दुनिया के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करके अनंत की भक्ति की दिशा की तरफ ले चलता है। भाइयों आप निष्पक्ष होकर के मेरी बात की तरफ ध्यान दें, धीरे धीरे हमारा भक्ति का क्षेत्र दूषित हो गया। ये रूहानियत नहीं है, ये रूहानियत नहीं है। भक्ति क्षेत्र एक व्यावसायिकता से जुड़ गया है, ये बहुत बड़ा व्यवसाय का केंद्र हो गया भक्ति। आप देख रहे हैं
मुझसे एक पत्रकार ने एक सवाल किया, मिस्टर जैन ने, नई दुनिया समाचार पत्र के समूह के वो वरिष्ठ पत्रकार थे, मुझसे उन्होंने एक सवाल किया कि महाराज क्या बात है, आज इंसान भक्ति के क्षेत्र में इतना ज़्यादा झुक गया है कि लग रहा है कि आदमी पाप कर्मों से उब चुका है, छल कपट से उब चुका है और अभी मनुष्य सत्यता की तरफ चलना चाहता है, परमात्मा की भक्ति की तरफ इसका रुझान हो रहा है, क्या वजह रही, आदमी का डाइवर्शन कैसे हुआ भक्ति की तरफ ऐसा? मैंने कहा जैन साहब, जितना भक्ति से आज मनुष्य दूर है, इतना मनुष्य भक्ति क्षेत्र से कभी दूर ही नहीं था। उन्होंने कहा कि महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, समाज में एक भक्ति का वातावरण। मैं बोला इसके दो कारण हैं, जो हम वर्तमान में भक्ति देख रहे हैं ईमानदारी से देखेंगे। उन्होंने कहा, मैं कहा अगर भक्ति होती समाज में तो फिर भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे है प्राणी। भक्ति में तो क्षमा दया सत्यशील सिखाना आदि है, तो समाज में भ्रष्टाचार व्यभिचार छल कपट अधिक पैमाने पर हो गई है। तो बोला महाराज कैसी बात कर रहे हैं, चारों तरफ रैलियाँ प्रभात फेरियाँ यज्ञ हवन कथाएँ प्रवचन रास लीलाएँ ज्ञान गोष्ठियाँ आदि हो रही है। मैं बोला हाँ यही तो बात मैं भी बोल रहा हूँ कि हमारा भक्ति क्षेत्र व्यवसाय का एक उत्तम केंद्र बन गया है। भक्ति क्षेत्र में बहुत धन है, इसमें लागत भी कुछ भी नहीं है। आज आपको प्रसिद्धि के लिए किसी तपस्या की ज़रूरत नहीं है, आपको मीडिया प्रसिद्ध कर देगा, प्रचार तंत्र का आप सहारा लें, आपके पास धन है तो फिर ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। उन्होंने ये नहीं देखना है कि आप कैसे हैं, उन्होंने अपनी व्यावसायिकता देखनी है। इसलिए चारों तरफ एक होड़ सी लग गई है। क्या हो गया है, आज कोई भी आदमी आपको खाली नहीं मिलेगा, सबकी खोपड़िया पर किसी न किसी मत किसी न किसी पंथ किसी न किसी मत मतांतर की का ठप्पा है और एक होड़ सी लगी है और इसमें धार्मिक धुंध भी नज़र आ रही है। नाना मत मतांतर भी आपस में धुंध करके हमसे कोई आगे ना निकले, नाना धर्म भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहने का क्या मतलब है, हमारी भक्ति में प्रतिस्पर्धा आ गई। भक्ति में तो ज्ञान और शीलता होनी चाहिए, जहाँ प्रतिस्पर्धा है वहाँ हिंसा आएगी आएगी। इसलिए हमारा भक्ति क्षेत्र इस समय व्यवसाय से संक्रमित हो गया है। जैसे आप कभी देखते हैं वायरल फीवर फ्लू चलता है तो लोग काफ़ी संक्रमित हो जाते हैं, इस तरह हमारा भक्ति क्षेत्र इस समय व्यवसाय से संक्रमित है। अपराध जगत इसमें काफ़ी आ चुका है और इसमें राजनीति भी काफ़ी समा चुकी है। इसमें हम किसी एक धर्म को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। ये हालत परस्पर सभी मजहबों सभी धर्मों सभी मत मतांतरों में आ गई। हम किसी एक धर्म किसी एक जाति किसी एक बिरादरी को लांछन नहीं दे सकते हैं। धरती पर रहने वाला मानव समूह बहुत कम है। ये पतन प्राय हर एक मानव में आया, हर एक धर्म में, हर एक जाति में, हर एक संप्रदाय में आ गया। ऐसे में भक्ति का अच्छा धन हो गया। आज कौन सा महात्मा प्रसिद्ध है, भंडार हैं, वो क्यों प्रसिद्ध हैं, उसके पास काफ़ी धन है, प्रचार तंत्र उसके पास अच्छे हैं, काफ़ी कार्यकर्ता फिर मिल जाते हैं, उनके हितों की भी पूर्ति हो जाती है। जब उनके हितों की पूर्ति हो जाती है वो जमकर काम करने लग जाते हैं। इसलिए छोटी लेवल से लेकर बड़ी लेवल तक ये समस्या आ गई। सब मिला करके हम कह सकते हैं कि हमारा भक्ति क्षेत्र दूषित सा हो रहा है। ज़रूरत यह है कि हम इस बात को समझें। आप पिछले मुझे करीब 42 साल हो गए प्रवचन करते, आप ज़्यादा पीछे न जाएं। पिछले 20 साल से मैं चैनलों पर भी हूँ, आप चेक करें जो जो बातें मैंने अतीत में कही वो वर्तमान में घटित है। मेरा एक अपना वाक्य है, वर्तमान के दर्पण में अतीत को देखो, अतीत में तुम्हें भविष्य नज़र आएगा। आप वर्तमान के दर्पण में अतीत के दर्पण में वर्तमान को देखो। अगर आप अतीत की तरफ चलेंगे पास्ट की तरफ चलेंगे तो वर्तमान आपको दिखाई देगा कि ये वर्तमान आपको तब भी दिखाई दिया था जब आप अतीत में थे।
जो वर्तमान है अभी, ये आपको तब भी दिखा था, और इस वर्तमान के अंदर आप भविष्य का अवलोकन कर सकते हैं। इसी वर्तमान के अंदर ही भविष्य का आधार है। तो मैंने जो 10 साल पहले बातें कही थी, आज मेरी रिकॉर्डिंग उठाकर आप देखें, वो पूरी पूरी अपने अपने लेवल पर पूरी पूरी घटित हो रही है। आप चेक करते चलें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ज़रूरत यह है कि हम शुद्ध भक्ति की तरफ चलें। यहाँ साहब ने भक्ति के लक्ष्य को बोला, हम किसी धर्म, किसी मजहब, किसी मत, किसी पंथ, किसी मतांतर का विरोध नहीं कर रहे हैं। जब आप सत्य भक्ति की तरफ आएंगे, आपको कुछ रुकावटें होगी, हमें उन रुकावटों को जानना होगा। आदमी किसी गंतव्य की तरफ जब बढ़ता है तो यात्रा के लिए पूरी तैयारी करता है। अगर आप इंग्लैंड जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो आपको ये विचार करना पड़ता है कि वहाँ का अभी वातावरण कैसा है, ठंड कैसी है, उसके अनुसार अपनी आप तैयारी करते हैं। इसी प्रकार से हम भक्ति क्षेत्र में, हमें एक तैयारी करनी होगी। पहली बात यह है कि हम कैसी भक्ति करना चाह रहे हैं, हमें यह जानना होगा, और वर्तमान में कैसी भक्ति प्रचलित है। आप जब भी कोई ख़रीदारी करने जाते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हैं। बर्तन खरीदना है तो आप चेक करते हैं कि मॉडर्न अभी कौन से बर्तन चल रहे हैं। फर्नीचर खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं भाई फर्नीचर इस समय कौन सा प्रचलित है। अगर आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि इस समय किस कपड़े का रिवाज है, उसके अनुसार आप चलते हैं। अगर आप भक्ति में भी आज देखेंगे तो कौन सी भक्ति प्रचलित है, आपको भक्ति का स्वरूप दिखाई देगा। वर्तमान में दो भक्तियाँ हमारे यहाँ प्रचलित हैं, अधिकतर लोग इन दो भक्तियों में लगे हैं। हम इन दोनों भक्तियों के विरोधी नहीं हैं। ये दो भक्तियाँ हैं, सरगुण और निर्गुण। हम इन दोनों भक्तियों का विश्लेषण अवलोकन करें। आखिर जब ये दोनों भक्तियाँ हमारी प्रचलित हैं, बहुत बड़ा एक तबका हमारे समाज में छल कपट पाप अपराध की तरफ क्यों बढ़ा? अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, छल कपट थोड़ी ज़्यादा हो रही है, व्यभिचार थोड़ा अधिक हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगर आदमी ये दोनों भक्तियाँ भी शुद्ध रूप से करता है तो थोड़ा बहुत तो कहीं आगे बढ़ेगा। पहली भक्ति है सरगुण, क्या हम इसके विरुद्ध हैं? नहीं, हम सरगुण भक्ति के विरुद्ध भी नहीं। इसकी एक प्रासंगिकता है, हमारे पूर्वजों ने इस भक्ति का की स्थापना इसलिए की कि जब तक एक अदद और पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं होती है तब तक आदमी कुछ ना कुछ करे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ध्यान लगाए। उस भक्ति का एक आयाम था मूर्ति उपासना या सरगुण भक्ति, तीर्थ आदि मूर्ति पूजा। क्या ये गलत नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, इसकी प्रासंगिकता है। हम एक छोटे बच्चे को जब स्कूल पढ़ाते हैं तो पहले पट्टी कलम देते हैं, क्योंकि उसका हाथ नहीं सजा है, लिखना नहीं जानता है, पेपर फाड़ देगा, कलम पकड़ने का अभी इल्म नहीं है, वो बारीक है, उसको हम पट्टी कलम पकड़ाते हैं कि भाई स्लेट और पट्टी पर लिख पहले, जब तुम लिखना सीख लोगे तो तुम्हें आगे हम कापी और कलम दे देंगे। हमारे पूर्वजों की ये मंशा रही होगी कि उन्होंने पहले कहा भाई जब तक गुरु नहीं प्राप्त हो रहा है, अध्यात्म की तुम्हें ठीक लाइन नहीं मिल रही है, तब तक तुम भाई सरगुण भक्ति करो, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा ध्यान एकाग्र होगा ही होगा ना, थोड़ा बहुत तो लाभ होगा ही होगा ना। ये तो एक प्रलोभन है। छोटे बच्चे बाल मंदिर, नर्सरी, आंगनबाड़ी जाते हैं, वहाँ उनको एक प्रलोभन दिया जा रहा है कि आओ तुम्हें खीर खिलाएंगे, आओ तुम्हें कुछ दलिया दे देंगे, कुछ ऐसी चीज़ खिलाएंगे। बच्चे के अंदर अभी कहीं से भी पढ़ने की इच्छा नहीं है, उसको अभी इतना इल्म नहीं है, पर उसे आंगनबाड़ी या बाल मंदिर में एक प्रलोभन दिया गया कि भाई यहाँ खीर भी मिलेगी, वो खीर की लालच से चला जाता है। उसको वहाँ ये बताया गया भाई यहाँ आओगे दलिया भी मिलेगी, बिस्कुट मिलेंगे, चॉकलेट मिलेंगे, खाने को कुछ मिलेगा। अभी बच्चे का रुझान खाने की तरफ था, लेकिन इसी बहाने उसको वहाँ पर कुछ सिखाया भी जाता है, खिलौनों के द्वारा गिनती सिखा दी जाती है और उसे वहाँ एसोसिएट कर रहे हैं। मन लगी नाम गुरु का ले
सत संगी।